Assalamu alaikum friends, today we will discuss Chernobyl disaster. इससे पिछले लेक्चर में हमने यूक्रेन इशू के ऊपर बात की थी और जब मैं यूक्रेन इशू के ऊपर बात कर रहा था तो उससे रिलेवेंट है ये जो हादसा हुआ आज से 36 साल पहले इसी अप्रैल के मौसम में, अप्रैल 1986 में ये हादसा पेश आया जिसको चेरनोबिल डिजास्टर कहा जाता है। चेरनोबिल जो है ये यूक्रेन के अंदर ही वाकया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें ये न्यूक्लियर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक हादसा पेश आया और इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये लेक्चर्स रिसर्च बेस्ड होते हैं और इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो नो डाउट आपको दीगर सोर्सेज से भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ इन लेक्चर्स की खास बात ये है कि CSS और PMS की जो एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं और ब्रीफ और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपके लिए इन लेक्चर्स में जमा किया जाता है। की फैक्ट्स होते हैं और उनको इंतहाई सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। अब इस लेक्चर की अहमियत क्यों है, एक तो ये सीक्वेंस था क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में यूक्रेन इशू के ऊपर खुल के बात की और डिटेल में बात की कि रशिया और यूक्रेन का इशू क्या है, नेटो का रोल क्या है और क्या क्या फैक्टर्स हैं उस इशू में। तो यूक्रेन की जब बात होती है तो फिर चेरनोबिल की बात भी होगी क्योंकि ये वहाँ का एक इंसिडेंट था आज से 36 साल पहले का और ये इसको स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इट इज़ ए डिवास्टेटिंग इंसिडेंट ऑफ द न्यूक्लियर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच अंडरपिंस द risks attached with the experiments relating to the uses of nuclear energy. दुनिया में बहुत बड़े हादसात जो हैं वो दो हुए और छोटे मोटे हादसात जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे होते रहे लेकिन उनकी जो शिद्दत थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये जो हादसा था ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, ये इसकी शिद्दत ज़्यादा थी और इसके बाद फिर तकरीबन 25 सालों बाद 2011 में जो हादसा हुआ फुकुशिमा में वो भी इसी तरह ही सवियर था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जब भी आप से न्यूक्लियर एनर्जी के जो यूजेस के अंदर रिस्क अटैच हैं उनके ऊपर कभी बात करने का अगर कहा जाए तो उसमें फिर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो है इसका जिक्र बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि कभी कभी इंटरव्यू में आपके नॉलेज बेस को चेक करने के लिए इस तरह के टोकन क्वेश्चन कर लिए जाते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे कर लिए जाते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेट करते होते हैं और वहाँ पे अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा हो, इस तरह के टॉपिक्स पे अगर आपका अबूर हो तो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू में उन मौजूदात पर बात कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो ऐसे राइटिंग में तो आपको इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके आपको पैराग्राफ लिखने में। तो अब हम इस पे शुरू करते हैं। ये है चेरनोबिल, आप देख सकते हैं कि चेरनोबिल जो है वो बिल्कुल नादरन साइड पे वाकया है यूक्रेन के और यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव उसके भी नादरन साइड पे वाकया है, बिल्कुल बेलारूस की जो बाउंड्री है उसके साथ है और इसके साथ और बहुत सारे ममालिक आप देख सकते हैं। यूक्रेन की लोकेशन आप देख सकते हैं इसमें स्लोवाकिया है, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है और रशिया है, बेलारूस, इन ममालिक ये आसपास इस यूक्रेन के वाकया हैं और एक तरफ से ब्लैक सी है जो एरिया क्रीमियन पेनसुला से टच करता है। तो यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि चेरनोबिल की लोकेशन आपने देख ली यूक्रेन के मैप में और ये पता चल गया कि ये बेलारूस के साथ बाउंड्री पे वाकया है। इट वॉज ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट अकर्ड ऑन अप्रैल 26, 1986 एट वन ऑफ द फोर रिएक्टर्स इन द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। बेसिकली ये जो हादसा था ये न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में हुआ, 4 रिएक्टर्स जो थे वो वर्किंग हालत में थे
दो रिएक्टर्स का अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो ये रिएक्टर नंबर 4 में ये हादसा होता है। एक्सपेरिमेंट जो था वो 25 तारीख से स्टार्ट था, हादसा 26 तारीख को होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे वाकयात हुए हैं न्यूक्लियर हिस्ट्री में, ताबकारी के, रेडियो एक्टिविटी के न्यूक्लियर हादसात हुए, लेकिन उनकी शिद्दत ज्यादा नहीं थी। दो हादसात काबिले जिक्र हैं, एक तो चेरनोबिल का जिसकी हम आज बात करेंगे, और दूसरा हादसा जो था वो जापान में 2011 में पेश आया, फुकुशिमा का इंसिडेंट। इससे पहले जो हिरोशिमा का वाकया था या नागासाकी का इंसिडेंट था वो डिफरेंट नोयत का है, क्योंकि वो तो एक वारफेयर थी। वो तो यूएस ने वार के दौरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो बम चलाए। और लेकिन ये जो हादसात हैं, ये हादसात हैं, ये डेलिबरेटली नहीं हुए, ये हादसे की शक्ल में वुकू पज़ीर हुए, लिहाजा ये यूनिक इंसिडेंट्स हैं दोनों, और ये दोनों ही शदीद तरीन वाकयात हैं न्यूक्लियर हिस्ट्री के, और इसमें बहुत सारे लेसन भी हैं, और ये वो वाकयात हैं जो शो करते हैं कि हमें कितना मुहतात होना चाहिए, हुकूमतों को खास तौर पे कितना मुहतात होना चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, क्योंकि ताबकारी वो चीज़ है जो कि सालों तक माहौल में रहती है, ख़त्म नहीं होती, इसके असरात ख़त्म नहीं होते, और रेडियो एक्टिविटी वो चीज़ है, वो फिनोमिना है जिसके मुजर असरात जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुजर हैं, उसके बहुत ख़तरनाक असरात इंसानी सेहत पे मरतब होते हैं, ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। तो दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ प्रिप्यात इन द नॉर्थ ऑफ यूक्रेन, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इन द सोवियत यूनियन। ये हमने इसकी लोकेशन देख ली। दिस पावर प्लांट वॉज लोकेटेड क्लोज टू दी बाउंड्री विद बेलारूस, जैसा कि हमने ये बात की कि बेलारूस की बाउंड्री के साथ है। इट इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कैजुअलिटीज। इट एमिटेड 400 टाइम्स मोर रेडिएशन देन द एक्सप्लोजन आर द बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। 400 गुना ज्यादा ताबकारी यहां से खारिज हुई। और एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन ऑन अप्रैल 26, 1986 एट 12:05 AM। यानी जैसे ही 25 से 26 अप्रैल की डेट चेंज हुई थी, तो 26 अप्रैल रात 12:05, अभी 26 अप्रैल को सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि ये हादसा शुरू हुआ। टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग इन द रिएक्टर, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको मैंने सिंप्लीफाई किया है आपकी कंजम्पशन के लिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइंटिफिक डिटेल है जिसको मैंने किसी हद तक ओवर सिंप्लीफाई किया है, ताकि एक तो आपको समझ आए और दूसरा आप उस इंफॉर्मेशन को आसानी के साथ यूज़ कर सकें। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिक्स नहीं भी पता, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और इसको मैंने सिंपल कर दिया है। द राइज इन टेम्परेचर डी स्टेबलाइज द रिएक्शंस गोइंग ऑन इन द रिएक्टर, रिएक्टर में जो रिएक्शंस हो रहे थे वो डी स्टेबलाइज हो गए, और टर्बाइन जनरेटर्स कुड नॉट रन द वाटर पंप्स एंड सप्लाई ऑफ वाटर वॉज इफेक्टेड। पानी नहीं मिला, कूलिंग नहीं हो सकी और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, रिएक्शंस जो हैं वो डिस्टेबलाइज हुए, जिसकी वजह से चेरनोबल के इस पावर प्लांट में बहुत बड़ा हादसा पेश आया। रात को बहुत बड़ा धमाका हुआ वहाँ पे, रात के इस पहर जब लोग सो रहे थे तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, और रिएक्टर की जो छत थी वो उड़ गई और आग भड़क उठी। और ये वो आग थी जो आम आग नहीं थी, ये आग रेडियो एक्टिव फायर थी, रेडियो एक्टिविटी वाली आग थी, और इस आग के अंदर तापकारी असरात मौजूद थे। यूरेनियम एंड ग्रेफाइट वेपर्स स्प्रेड इन द एयर, यूरेनियम और ग्रेफाइट के जो बुखारात थे ये हवा में फैल गए। द
This was not simple fire as it was full of radiation which reached more than 3,000 feet in the sky. आसमान में 3,000 फुट की बुलंदी तक ये रेडिएशन चली गई. रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मेड क्लाउड्स इन द स्काई. बर्निंग ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल एट द फाउंडेशन ऑफ द रिएक्टर. रिएक्टर की बिल्कुल तह में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो जलना शुरू हो गया. और अगेन इट इज टू बी कैप्ट इन माइंड दैट रेडियो एक्टिविटी इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स. इट इज नीडलेस टू से इस हादसे के तकरीबन दो दिन बाद 28 अप्रैल 1986 को कोई 1,000 किलोमीटर दूर स्वीडन में एक वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट था. वहां पे एक सेंसर ने इन रेडिएशंस को डिटेक्ट किया. पहले तो वो समझे कि ये कहीं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये रेडियो एक्टिविटी खारिज हो रही है, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसका सोर्स जो है वो चेर्नोबिल है. उन्होंने स्वीडिश अथॉरिटीज ने जिन्होंने पहले इसको आइडेंटिफाई किया तकरीबन चेर्नोबिल से 1,000 किलोमीटर दूर, इन्होंने सबसे पहले सोवियत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया. तब तक सोवियत गवर्नमेंट जो थी ये इश्यूज छुपा रही थी दुनिया से, क्योंकि ये इनके लिए बदनामी का बायस था, एम्बेरसमेंट थी. दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होनी थी कि आप अपने न्यूक्लियर एसेट को संभाल नहीं पाए और ये पूरी दुनिया के लिए आपने खतरा बना दिया है. तो फिर इन्होंने नोटिफाई किया रशियन गवर्नमेंट को, सोवियत गवर्नमेंट को, और अब एफर्ट्स शुरू हुई कि इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ताबकारी के, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए. सबसे पहले इलाके को खाली करवाया गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवैक्यूएटेड. फिर रेत और बोरिक एसिड के जो थैले थे वो फेंके गए ऊपर हेलीकॉप्टरों से ओवर द बर्निंग रिएक्टर ताकि ताबकारी असरात को ख़त्म किया जा सके. फिर शीशे को ड्राप किया गया, लेड मेटल वाज ड्राप्ड ओवर द रिएक्टर टू कंट्रोल द टेम्परेचर. शीशे को रिएक्टर के ऊपर गिराया गया ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो सके. असल चीज ये थी कि इसका जो टेम्परेचर था उसको कूल डाउन करना, ये बड़ा क्रिटिकल था. और इसी टारगेट के लिए कोशिश हो रही थी कि टेम्परेचर कंट्रोल हो. और फिर ये नीचे से एक ऐसी माइन खोदी गई जिसके नीचे सीमेंट डाला गया ताकि जो रेडियो एक्टिव लावा है इन द फाउंडेशन या तह में बॉटम में, वो कहीं अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ना करे. पहले तो ये किया गया कि कोई कूलिंग डिवाइस नीचे रखें, फिर नीचे सीमेंट की एक तह डाली गई ताकि रेडियो एक्टिव लावा जो है वो ग्राउंड वाटर को टच ना करे. और इस तरीके से एफर्ट्स की गई कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो फैले नहीं. और जो रिएक्टर का मलबा था उसको रिमूव किया गया, उसको दफन किया गया, उसके ऊपर फिर सीमेंट की तह बिछा दी गई ताकि रेडियो एक्टिव के असरात जो हैं वो ना फैलें. और फिर जो बकाया था यानी जो रिमेन्स थे रिएक्टर के, उनके ऊपर फिर एक प्रोजेक्ट से काफ़ी कॉस्ट लगा के उसको ढांप दिया गया किसी ऐसे मटेरियल से कि जिसके अंदर ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अंदर ही ट्रैप हो जाए और ये बाहर की दुनिया के अंदर अपने अपने मुजर असरात ना छोड़ सके. तो ये जो ऊपर कवर डाला गया ये भी काफ़ी सालों बाद बना और ये इसके ऊपर डाल दिया गया. याद रहे कि रशियन सोवियत गवर्नमेंट ने ताबकारी असरात के खात्मे के लिए रोबोट्स की भी खिदमात ली, लेकिन रोबोट्स के ऊपर ताबकारी चुआओं ने असर किया और वो ख़राब हो गए. उसकी जगह पर फिर उन्होंने इंसानों को जो है वो सेफ्टी गैजेट्स पहना के, उनका ड्रेस जो है ऐसा पहना के कि जो तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे करके उनको लगाया गया काम पे. बहुत सारी अमवात बाद में भी हुई रेडिएशन की वजह से, लेकिन बहरहाल एफर्ट्स की गई कि इनके जो असरात हैं रेडियो एक्टिविटी के उनको कंट्रोल किया जा सके. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट 30,000 पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी.
मिलियंस ऑफ पीपल वर एक्सपोज टू रेडिएशन, जिनको रेडिएशन सिकनेस रही, रेडिएशन की वजह से उनके दिल, गुर्दे, फेफड़े, स्टोमक के बहुत सारे इश्यूज हुए और उनको मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती रही। बाद में कोई एक कंफर्म्ड इतला नहीं है, एस्टिमेट नहीं है कि कितने लोग इससे मरे, लेकिन जो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं वो 4,000 से लेकर 93,000 डेथ्स तक रेंज करते हैं। हाउएवर ऑफिशियल सोर्सेस क्लेम कि इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई, बहुत कम लोग इससे मरे हैं, लेस देन 100 की बात होती है। लेकिन बहरहाल ये डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं जो आपके सामने रखे हैं कि कितनी जो है जाने, कीमती जाने इस हादसे की वजह से ज़ाया हुई। अब ये जो शहर है प्रिपियात, दैट इज नॉट लिवेबल, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अभी तक है और ये भी एस्टिमेट है कि ये कई सालों तक, हजारों सालों तक शायद ये रेडियो एक्टिविटी के असरात रहेंगे इस इलाके में। इसलिए यहाँ पे आबादी वगैरह कोई नहीं है, कुछ लोग आके यहाँ पे रहना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। और सोवियत गवर्नमेंट को बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, यूएस ने क्रिटिसाइज किया, ग्लोबल कम्युनिटी ने क्रिटिसाइज किया, क्या कि आपने इंसिडेंट को जो है कवर कर लिया है, इंसिडेंट को बताया नहीं है, इन्फॉर्म नहीं किया आपने नेबरिंग कंट्रीज को, टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया ताकि वो कोई इकदाम उठाते। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 87, जिसके ऊपर हमने बात की, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर के बारे में हमने बात की। ये जो वाकया है ये आपको हेल्प करता है कि आप समझ सकें कि रेडियो एक्टिविटी के क्या नुकसान हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी के नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी अटैच हैं, और हुकूमतों को चाहिए कि वो पूरे सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो काफ़ी इरिवर्सिबल हैं और इंसानियत के लिए तबाहकुन है अगर इनको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ ना किया जाए। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।